Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine and safe. As you know that we are studying chapter number 4, lenses, and we are discussing ray diagrams. Today we will discuss some cases related to ray diagram in converging lens or convex lens. So continuing that, locating an image on a converging lens, ray 1. First of all, how to draw a ray diagram is the method for you. Ray 1 travels parallel to the principal axis and is refracted through the principal focus. इसमें होता ये है कि अब आपको पता चल रहा है ray 1. याद रखिएगा सबसे पहले कि ray diagram के लिए हमारे पास दो या दो से ज़्यादा rays होंगी तो तब हम easily detect कर सकेंगे कि आया हमारा image कहाँ बन रहा है. ठीक है, सबसे पहले ray 1 क्या है. ray 1 वो ray है जो कि travel होती है parallel किससे, principal axis से. ये principal axis है. मैं ये चीज़ें repeat नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं पहले discuss कर चुकी हूँ. यहाँ पे हम सिर्फ इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे. रे वन कौन सी है जो कि पैरेलल है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से. ठीक हो गया, कैसे. देखिए ये प्रिंसिपल फोकस है, ये पूरी जो ब्लैक कलर की लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है. रे वन जो है वो पैरेलल है, वो जाके कन्वेक्स लेंस के एजेस से स्ट्राइक करेगी और बेंड होगी, रिफ्रैक्ट होगी इनवर्ड, और जब वो इनवर्ड बेंड होगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से पॉइंट होती हुई जाएगी. सही हो गया, पास होती भी जाएगी. रे टू की बात करते हैं. रे टू क्या है, ट्रैवल्स थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. रे टू वो है जो कि डायरेक्टली यहाँ से जहाँ पे आपका इमेज पड़ा, सॉरी ऑब्जेक्ट पड़ा है, वहाँ से डायरेक्टली पास होती है कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर से. और उसमें किसी, मैंने आपको ये बताया था कि जब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें किसी किस्म की रिफ्रैक्शन नहीं होती. ठीक हो गया, कोई बेंडिंग नहीं होती, तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हुई आगे जाएगी. ठीक है, और तीसरी रे आ जाती है ऑप्शनल. ये ऑप्शनल रेज होती है, हमें सिर्फ इंटरसेक्शन के लिए या इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज चाहिए होती हैं. ये ऑप्शनल है अगर आप इमेजिन करते हैं तो. ठीक है, ठीक है. रे थ्री क्या है, ट्रैवल्स थ्रू द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, रे थ्री कहाँ से, 2F से, 2F से पास हो रही है. ये 2F है ना, 2F से पास हो रही है. ठीक हो गया, और 2F से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये कहाँ पे आ रही है, रिफ्रैक्ट होने के बाद. देखें डाउनवर्ड यहाँ से मूव करेगी और नीचे वाले लेंस के एज से पास होती भी जाएगी तो बेंड होगी थोड़ी सी इनवर्ड और यूँ इस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में प्रिंसिपल के एक्सिस के आएगी. ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आपका इमेज कहाँ बनेगा. Draw the image given the point of the intersection. ये जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों रेज आपस में ज्वाइन हो रही है, या फर्ज करें अगर ग्रीन वाली रे ना भी होती, ये दोनों रेज जहाँ पे ज्वाइन हो रही है, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी. समझ गए हैं. और मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज क्या बनेगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड होगा. रियल इमेज ये देखें जैसा आपके पास आपके उसका था, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का था, उसी तरह का इमेज है, लेकिन वो है क्या, इन्वर्टेड है. ठीक है, क्लियर इमेज है. सही हो गया. अब हमारे पास पांच सिनेरियोज़ हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, और ये चीज़ आपको आनी चाहिए. हमारे पास यानी कि पांच केसेस हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फ़लाँ जगह पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, आपका ऑब्जेक्ट फ़लाँ जगह पर तो इमेज कहाँ बनेगा. ठीक हो गया, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमेज बियॉन्ड 2F. ठीक है, देखें पांच सिनेरियोस हैं, बियॉन्ड 2F, 8F, बिटवीन 2F एंड F, 8F एंड बिटवीन F एंड लेंस. ठीक हो गया, ये जितने भी आपके पास पॉइंट है ना, फोकल पॉइंट है, उनके दरम्यान में, उनके ऊपर, उनसे आगे, लेंस से थोड़ा सा पहले, तो ये पांच हमारे पास केसेस आ जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं केस वन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F. फर्ज करें अगर आपका ऑब्जेक्ट है 2F से पहले, यहाँ पर आपके पास 2F है और 2F से पहले आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो उसी तरह से फर्स्ट रे जो जाएगी वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और इनवर्ड बेंड होगी प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई, और सेकेंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर डायरेक्ट यहाँ पे आएगी. तो ये जो दोनों का जॉइनिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगी. ठीक है, इमेज की टाइप क्या होगी, इमेज जो है वो साइज़ छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू आपके ऑब्जेक्ट के. एटीट्यूड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा. लोकेटिंग कहाँ पे होगा, एफ़ और 2F के दरमियान में होगा. याद रखिएगा ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F से पहले है तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ और 2F के दरमियान में. ये हमेशा ऐसे ही होता है. ठीक हो गया, और ये किस टाइप का होगा, रियल इमेज होगा. जैसे अब ये देखें आपके पास अब जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड है और वो स्मॉलर इन साइज़ है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल वन. ठीक हो गया, कन्वर्जिंग लेंस के केस में. दूसरे केस की बात करते हैं. दूसरा केस ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट
2f, ये आपके पास 2f है, और अगर इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है तो फिर आपका इमेज कहाँ पे बनेगा? तो याद रखिएगा फर्स्ट रे उसी तरह से पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई नीचे जाएगी, ठीक है, और सेकेंड रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और दोनों का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे कभी इमेज फॉर्मेशन ना करना, इमेज फॉर्मेशन वहाँ पे होगी जब आपके पास ये दोनों रेज जिस जगह पे जाके ज्वाइन होगी वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। यहाँ से आप इमेजिनरी लाइंस ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस तक ड्रॉ करेंगे और एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगी। इमेज का साइज़ क्या होगा? सेम साइज़ होगा, ठीक हो गया। और ये तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होगा। एटीट्यूड क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। लोकेशन क्या होगी? 8 to f होगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट अगर 2f पे होगा तो आपका इमेज भी 2f पे बनेगा, ठीक हो गया। जबकि पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट 2f से पहले होगा तो इमेज 2f और f के दरमियान में होगा, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ इमेज क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है, समझ गए हैं। फिर थर्ड केस आ जाता है। थर्ड केस में क्या है, आपके पास अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के दरमियान में है तो वो आपके पास क्या होगा, वहाँ पे उसके इमेज कहाँ पे बनेगी? तो ज़रा देखते हैं। उसी तरह से एक रे जो है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और पास होने के बाद डाउनवर्ड रिफ्रेक्ट करेगी, ठीक हो गया। उसी तरह से दूसरी रे डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और यहाँ पे ये दोनों रेज का जो जॉइनिंग पॉइंट होगा वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, समझ गए इस चीज़ को। अब इमेज का साइज़ क्या होगा? जो रियल ओरिजिनल इमेज होगा उससे, यह जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उससे बड़ा होगा आपके इमेज का साइज़, ठीक है। एटीट्यूड क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। लोकेशन क्या होगी? बियॉन्ड 2f होगी। और टाइप क्या होगा? रियल होगा, ठीक है। याद रखिएगा जब ऑब्जेक्ट 2f और f के दरमियान में होगा तो जो इमेज बनेगा वो 2f से पहले बनेगा, समझ गए हैं। फिर आ जाता है केस फोर में सिंपली क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट f पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस केस में कोई इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देख रहे हैं आप, फर्स्ट रे जब जा रही है तो वो लेंस कितने करीब है कि वो बेंड होने के बाद यूं पैरेलल जाएगी, और सेकंड रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो दोनों रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो जब ये दोनों ज्वाइन ही नहीं कर रही तो इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगी। याद रखिएगा इमेज फॉर्मेशन तब होती है जब ये दोनों रेज आपस में ज्वाइन होती है। तो ये दोनों ज्वाइन नहीं हो रही तो कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी फोर्थ केस में। और फिफ्थ केस में भी ऐसा ही कुछ होता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी ये अब आप देख लें कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? एफ और लेंस, ये देखें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कहाँ पे है? एफ और ये जो छोटा वाला है, ठीक है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये लेंस और एफ के दरमियान में है, ठीक है। अब होगा क्या? उसी तरह से ये इतना करीब होता है कि ये अपवर्ड बेंडिंग होती है, पैरेलल बेंडिंग नहीं होती, और उसके बाद पास होने के बाद कन्वेक्स लेंस से ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के मूव करेगी, जबकि जो दूसरी रे है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से पैरेलल मूव करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक हो गया। तो अगर आप इन दोनों रेस को ज्वाइन करते हैं ना इमेजिनेशन पॉइंट से, तो एज अ रिज़ल्ट आपका इमेज जो है वो बियॉन्ड लेंस बनेगा, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे पहले इमेज की फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। साइज़ क्या होता है? इनलार्ज होता है। एटीट्यूड क्या होता है? अपराइट होता है, मतलब सही जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसी पोजीशन में इमेज की फॉर्मेशन होती है। और इमेज की लोकेशन क्या होती है? जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन भी होती है, और ये वर्चुअल होती है, ठीक हो गया। जैसे ये आ जाता है कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड लेंस, ठीक हो गया। कन्वर्जिंग लेंस को फाइनली अगर हम डिफाइन कर लें, द फर्स्ट लेंस नॉन टू बी यूज्ड वाज अ कन्वर्जिंग लेंस कॉल्ड अ रीडिंग स्टोन। इसको रीडिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबली पहले यूज़ किया जाता था, इसलिए हम कहते थे रीडिंग स्टोन। रीडिंग स्टोन फॉर्म इमेजेस दैट वर अपराइट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसको यूज़ किस लिए किया जाता था? क्योंकि ये क्या होता है, लार्जर इन साइज़ में हमें कोई भी चीज़ दिखाता है, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अपराइट इसका इमेज होता है, ठीक हो गया। होपफुली ये टॉपिक क्लियर होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम के कुछ केसेस डाइवर्जिंग लेंस में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।